गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे हैं डिस्टेंस ट्रैकर। अभी मैं आप देख पा रहे हैं हमें, हम हैं दिल्ली, दिल्ली के यानी कि रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट में हमारी ये जो वीडियो है ये म्यूज़ियम की सेकंड वीडियो है। आपने फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, फिर सेकेंड वीडियो देखने में आपको मज़ा आएगा। अभी मैं जो है हम सेकेंड वीडियो को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि सेकेंड म्यूज़ियम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। आप पूरा वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इस तरह का आपको देखने के लिए म्यूज़ियम मिलेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें लगी हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अभी में हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती हैं। अभी में हम घूम रहे हैं सेकंड यानी कि सेकंड म्यूज़ियम में घूम रहे हैं, और ये म्यूज़ियम कहाँ पर है हमने बताया था कि ये दिल्ली के रेड फोर्ट यानी कि लाल किला जो है उसी के अंदर तीन म्यूज़ियम बने होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिनकी तीनों म्यूज़ियम की अलग अलग सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अभी ये हमारा तिरंगा, पुराने समय में जो है अंग्रेजों के समय में हमारा तिरंगा किस तरीके का दिखता था ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी मैं कुछ स्क्रीन पर चल रहा है, कुछ जो है आप देख पा रहे होंगे क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं यहाँ पर, और ये हमारे राजेंद्र जी जो है अपने कैमरे से शूट कर रहे हैं। अभी मैं क्या हुआ था कि जब हम शूट कर रहे थे तो कुछ जो है कैमरे को लेकर विवाद हो गया था कि कैमरे से आप शूट नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारा फाइनल जो यानी कि थर्ड वाला म्यूज़ियम था उसमें हुआ था। फर्स्ट और सेकंड म्यूज़ियम में हमें कैमरे के लिए अलाउ कर दिया था कि कैमरे से आप शूट कर सकते हैं, लेकिन थर्ड म्यूज़ियम में हमें कैमरे से शूट ना करके मोबाइल से ही शूट करना पड़ा था। अभी मैं देखिए इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये सुभाष चंद्र बोस जी दिखाए गए हैं कि वो किस तरह के बचपन में दिखते थे। यहाँ पर कुछ पत्र भी हैं जो हम देख पा रहे हैं कि क्या किस तरह के पत्र हैं, किस तरह के दस्तावेज हैं, और किस तरह की ये जो है कुछ करेंसी भी रखी हुई है कि किस तरह की करेंसी थी। तो इस तरीके का जो है आपको पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इनका फ़ोटो भी ले सकते हैं, आप अपना फ़ोटो भी ले सकते हैं, और यहाँ वीडियो भी शूट कर सकते हैं। ये कैप दिखाई गई हैं, कुछ कैप रखी हुई हैं कि इस तरह की कैप उस समय पे हुआ करती थी, जो हमारे जो लीडर्स हैं वो पहना करते थे। अभी मैं हम आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं या हम देख पाएंगे। अभी मैं चलिए हम वीडियो आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़, कुछ डाउट या कुछ इस तरह की चीज़ें आपको या कुछ हमें सजेस्ट करना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित कुछ आप हमें बताना चाहते हैं तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जिनका हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अभी आप वीडियो में बिल्कुल देख लीजिए किस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो में बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल बिल्कुल वीडियो में खो गए होंगे, क्योंकि आपने जो रेड फोर्ट के लाल किले के म्यूज़ियम की कभी विज़िट नहीं करी होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो रेड फोर्ट में सिर्फ बाहर से घूम के आ जाते हैं, वो म्यूज़ियम की विज़िट नहीं करते हैं। तो आपको जो है ये किस तरह का आपको इसका पूरा नज़ारा लग रहा है, किस तरह का व्यू आपको दिखाई दे रहा है, और जो ये जो पुरानी चीज़ें जो हैं इनसे संबंधित जो जानकारी आपको देखने के लिए मिल पा रही है वो किस तरह की आपको लग रही है, हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल ये स्वतंत्रता दिवस गिरफ्तारी करके कुछ लिखा हुआ है और उससे संबंधित जो है जानकारी भी दी गई है। अभी हम आगे चलते हैं और चलते चलते हम देख लेते हैं और आगे क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। ये देखिए, ये जो पूरे लीडर्स उस समय के जो थे, भगत सिंह और ये सारे क्रांतिकारी, इस तरह की सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए और जानकारी के साथ, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पिक्चर के साथ पूरी जानकारी भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल, आप हमें बताइए कि आपको कैसी लग रही है, बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें
और हमें जो आपका बेस्ट सजेशन है वो भी आप हमें दे सकते हैं कि हमें अपनी वीडियो में और क्या दिखाना चाहिए या किस तरीके का सुधार करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। अगर देखिए, आपको बिल्कुल मैं बता देता हूँ कि अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी देख सकते हैं आप संबंधित जानकारी के साथ, पिक्चर के साथ सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा, कुछ सीखने के लिए भी मिल रहा होगा। ये जो है एक पर्दा यानी कि ये स्क्रीन लगी हुई है, बहुत बड़े आकार में है जो चलती रहती है और यहाँ पर धीमा धीमा म्यूज़िक भी चलता रहता है। आप इन सभी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं रेड फोर्ट में। रेड फोर्ट जो है लाल किले का नाम, यानी कि लाल किला, और इंग्लिश में उसको रेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है।